जेल सीएम से बेल सीएम और बेल सीएम से फेल सीएम। आज फेल सीएम जो है नाम आ रहा है आतिशी मार्गवाओं को धमकी दी जाएगी क्योंकि चेली अपने गुरु की रक्षा करेगी, संविधान की रक्षा तो करेगी। चित्रा जी उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा विजय नायर रिपोर्टेड टू आतिशी मारलेना डायरेक्टली, मतलब शराब घोटाले का एक अभियुक्त जिसने 100 करोड़ रुपया लिया साउथ की लॉबी से, वो आतिशी मारलेना को रिपोर्ट कर रहा है। मैंने संवैधानिक बात करी और संवैधानिक बात का उत्तर भाजपा नहीं हो सकती है। अगर अपने आपको बदलू है, कभी समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की सेवा करते हैं, बीजेपी में है, इससे कौन सी नहीं बात करती है? आप क्या है? भ्रष्टाचारी पत्रकार, फेल्ड पत्रकार और फेल्ड पॉलिटिशियन और फेल्ड पॉलिटिशियन का आरोप लगा है। ये मेरे बारे में बोलेगा इसको मैं बोलूंगा, ये दल बटू है। तो नहीं बोलेंगे आपके बारे में, चलिए मुद्दे पर। अप्लान सिंह ने कसीदे का कहा था, आज तो उसी मुद्दे पर रहते हैं प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज, व्यक्तिगत को लेकर डिबेट नहीं होगी, ये तो बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। गौरव भाटिया जी प्लीज। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? एक बार फिर आ गया हूँ आपके सामने एक नई डिबेट को लेके, और डिबेट काफी रोचक और मजेदार है, तो डिबेट को लास्ट तक देखिएगा। आज की डिबेट का मुद्दा रहेगा कि केजरीवाल का इस्तीफा और आतिशी का उनकी जगह मुख्यमंत्री बनना। आम आदमी पार्टी का केजरीवाल की इस्तीफे को लेकर बोलना है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है और वो तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जब तक उनको दिल्ली की जनता दोबारा चुनकर नहीं भेजती है और यह प्रमाण नहीं दे देती कि उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप झूठे और राजनीतिक से प्रेरित है। जिस पर बीजेपी का बोलना है कि जनता यह फैसला नहीं करती कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन नहीं। अगर ऐसा होता तो भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद लालू प्रसाद यादव और जयललिता भी जनता की अदालत से जीत कर आए थे, तो क्या वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए थे? उन पर भी केस चला और बाद में कोर्ट ने उनको सजा सुनाई और फिर वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। केजरीवाल जमानत पर छूटे हैं, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। और रही नैतिकता वाली बात, तो यह नैतिकता तब कहां थी जब वो जेल से सरकार चला रहे थे, तब तो इस्तीफा नहीं दिया और आज नैतिकता याद आ रही है जब कोर्ट ने जमानत देते हुए अपने निर्णय में लिखा कि आप मुख्यमंत्री के रूप में अपने ऑफिस नहीं जा सकते और ना ही किसी भी फाइल पर साइन कर सकते हो। तब केजरीवाल को नैतिकता याद आए, उनको भी पता है कि अब वो मुख्यमंत्री के रूप में निकम्मे हैं और केवल नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का कारण भी यही है कि यह खड़ाओ मुख्यमंत्री अब भ्रष्टाचार से संबंधित फाइलों में छेड़छाड़ करके सबूत को नष्ट करने का काम करेगी, जो कि केजरीवाल नहीं कर सकते थे। इन्हीं विषय को लेकर यह डिबेट आज तक चैनल पर चल रही है, जिसमें भाजपा की तरफ से गौरव भाटिया और सरकार विरोधी एजेंडा चलाने वाले राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई, क्योंकि आशुतोष सवालों के जवाब देने की जगह भाजपा को लेकर बोल रहे थे, जिस पर गौरव भाटिया ने बोला कि मैंने संवैधानिक बात की है और संवैधानिक बात का उत्तर भाजपा नहीं हो सकता। इस पर यह काला कौवा आशुतोष गौरव भाटिया को बोलने लगा, बीच में मत बोलो दल बदलू, तुम्हें बहुत मिर्ची लग रही है। फिर क्या था, गौरव भाटिया ने इस काले कौवे की ऐसी की तैसी कर डाली कि यह काला कौवा काव काव करने लगा। तो देखते हैं गौरव भाटिया ने ऐसा क्या बोला, काला कौवा आशुतोष की बोलती बंद हो गई। आप मुझे चित्रा जी ये बताइए कि जो खड़ाऊ वाला सीएम होगा ये दंड कैसे देगा, ये अपनी शपथ का जो संविधान के तहत लेगा उसका निर्वहन कैसे करेगा, क्योंकि आज भी इनके गुरु जो है, जिनको ये गुरु बता रही थी चेली आतिशी, इनके गुरु तो अभियुक्त हैं, बेल पे बाहर हैं, सशर्त बेल मिली है। तो मान लीजिए कल को इनके पास कोई फाइल आती है जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ प्रमाण है, साक्ष्य है, तो संविधान के तहत इनकी जिम्मेदारी ये है कि वो जांच एजेंसियों को दे दे। लेकिन ऐसा लग रहा है शीश महल अब भ्रष्टाचार और सारे अवैध कार्यों का अड्डा बनने जा रहा है, ये फाइलें प्रमाण नष्ट होंगे, गवाहों को धमकी दी जाएगी क्योंकि चेली अपने गुरु की रक्षा करेगी, संविधान की रक्षा तो करेगी नहीं। इसीलिए मैंने कहा ये जो खड़ाऊ वाली मुख्यमंत्री आने वाली है, ये क्या दंड दे पाएंगी अभियुक्त अरविंद केजरीवाल को जब उनके सामने प्रमाण आएगा? बिल्कुल, ये उसी तरीके के मुख्यमंत्री होंगे जिस तरीके के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों में है। अब वहाँ खड़ाऊ चलती कि नहीं चलती मुझे नहीं मालूम है, इस बारे में उनका नियंत्रण कहाँ से चलता है सबको मालूम है। अगर गुजरात में मुख्यमंत्री चल सकता है, अगर बाकी राज्यों में चल सकता है तो यहाँ भी चलेगा, इसमें कौन सी नई बात है? तो ये जो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ और दूसरे को दिखाने की कोशिश की जा रही है, गौरव भाटिया को मिर्ची बहुत। मैंने संवैधानिक बात करी और संवैधानिक बात का उत्तर भाजपा नहीं हो सकती है। आशुतोष अगर अपने आप को राजनीतिक, उनको बोले नहीं दीजिए, गौरव भाटिया संवैधानिक बात का उत्तर दीजिए, गौरव भाटिया जी आशुतोष जी की बात हो जाए दो और मेहमान इंतजार में हैं, गौरव भाटिया जी प्लीज, गौरव भाटिया गौरव भाटिया जी दल बदलू है, कभी ये समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की सेवा करते थे, बीजेपी में है, इसमें कौन सी नई बात है? उनकी निष्ठाएं बदलती रहती है, आम आदमी पार्टी में। आप क्या है? आप क्या है? भ्रष्टाचारी पत्रकार, फेल्ड पत्रकार और फेल्ड पॉलिटिशियन और फेल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट।
यहाँ पर दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, एक महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है, उसको लेकर आरोप लग रहे हैं। मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं अशोक जी, प्लीज आप उसका जवाब दें। गौरव भाटिया जी, ठीक है गौरव भाटिया जी, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा, अभी उनकी बारी है। गौरव भाटिया जी उनकी बारी है, उनको बोलने दें प्लीज। गौरव भाटिया जी, दो और लोग इंतजार कर रहे हैं स्टूडियो में, आशुतोष जी अपनी बात करें। इस दल बदलू कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा, आशुतोष जी प्लीज मेरी बातों पर। ये मेरे बारे में बोलेगा तो इसको मैं बोलूंगा ये दल बदलू है, वो नहीं बोलेंगे आपके बारे में। चलिए मुद्दे पर, मैंने मुलायम सिंह की चरण वंदना करता था, मुलायम सिंह के कसीदे काटता था। आशुतोष जी मुद्दे पर रहते हैं प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज, यहाँ पर आप दोनों लोगों के व्यक्तिगत जीवन को लेकर डिबेट नहीं हो रही है, ये तो बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। गौरव भाटिया जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे आशुतोष जी सुन रहे थे, ये ठीक नहीं है। आशुतोष जी आप अपनी बात करते हैं, इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए आप पहले। जी पहले आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद विनोद अग्निहोत्री जी मैं आ रही हूँ। गौरव भाटिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, वो ये कि कल जाकर के आतिशी जो खड़ाओं को रख करके और शासन चलाएंगी, कल यदि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मामला आता है तो वो किस प्रकार से निष्पक्ष रूप से उसका निष्पादन करेंगी, इसमें पूरा एक संशय खड़ा हो गया है। दूसरी बात, मेरे लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आतिशी का परिवार, उनके माता पिता एक आतंकवादी के को क्षमादान करने के लिए अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए, जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों के लिए मर्सी पिटीशन पर फाइल करती हैं, वो घोर नक्सलवादी। देखिए, कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होना और बात है, और नक्सलवाद जो है जिसको हम एक टेररिज्म के तौर पर हम आज के दिन में लेते हैं, और मनमोहन सिंह हो, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे भारत की सरकार हो, सबने कहा है कि भारत के अंदर जो सबसे खतरा है देश की संप्रभुता एकता को, वो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म से है। ऐसे तत्वों का समर्थन करने वाले माता पिता से आती हैं, और आतिशी ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया। महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि ये बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अभी जो कहा जा रहा है कि बार बार ईमानदार, अरे भाई आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया, वो काम जो लालू मधुकोड़ा और बाकी नहीं कर रहे थे वो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, और चुन जाने से ये संभव नहीं होता कि आप चुने गए हैं। हाँ। और कल जाकर के आपने यदि कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो आप कहना शुरू कर देंगे, अरे मुझे तो चुन करके लोगों ने भेजा है। ये जो बार बार आम आदमी पार्टी के जो विधायक आकर के कहते हैं कि मैं गया और लोग कह रहा था अरविंद केजरीवाल का बेटा, ये हम लोगों ने बहुत देख रखा है। ये जो हम इसे नौटंकी नहीं बोलेंगे, हालांकि आज आशुतोष ने अपने लेखन में, अपने एक लेख में ऐसा ही कहा है, एक ढंग से ये पूरी के पूरी जो है वो नाटक करने वाली है कंपनी के तौर पर। विनोद जी मैं आपके पास आऊंगी, आपने आशुतोष जी का नाम लिया है तो आशुतोष जी का ही सीधे रुख करते हुए, आशुतोष जी करूंगा कि दल बदलू अगर बीच में टोके तो उनको रोक दीजिएगा प्लीज। आशुतोष जी को मैं बीच के मामले में नहीं, क्योंकि मैं बीच के किसी दूसरे मामले में नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो रोक टिप्पणी करें तो बोलिए, दलाल को शोर से उठा के दल बदलू है, लायक नहीं है ये, 10 रुपए में अपना ईमान बेच देता है। ये दल बदलू आदमी है, ये मुलायम सिंह के चरण वंदना करता था। आशुतोष जी ये इन तस्वीरों पर, आज की ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है आशुतोष जी प्लीज गौरव भाटिया जी प्लीज, अब कोई नहीं बोलेगा एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी इन तस्वीरों पर। आशुतोष जी तस्वीरों पर बिल्कुल मैं बोलने के लिए तैयार बैठा हूँ, बोलिए, इनकी बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है सर, आप मेरी बात सुने, बोलिए बोलिए। देखिये ये जो तस्वीर है, एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिए आप, वो ये कि दिल्ली को आतिशी से बेहतर मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता। इतनी पढ़ी लिखी, सेंट स्टीफन का बैकग्राउंड है, ऑक्सफर्ड का बैकग्राउंड है, रोड्स स्कॉलरशिप का बैकग्राउंड है, इतनी समझदार, इतनी पढ़ी लिखी और इतना जो एकेडमिक करियर है, वो नहीं मिल सकता दिल्ली। अगर इस पर भी लोगों को आपत्ति हो सकती तो उसे एक राजनीतिक सवाल है, उसके जवाब दिए जा सकते हैं। लेकिन ये कहना उनके माँ बाप के आधार पर अगर आप उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए छालते हैं, तो मुझे लगता है ये उसी तरीके की राजनीति है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 2015 के विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था ये तो नक्सली है, इनकी जगह जंगल में है। 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि पिछले 10 साल की जॉइंट इनकम्बेंसी है, अगर उसको फोकस करेंगे बजाय किसी का चरित्र हनन करने के, उनके माँ बाप पे अगर टिप्पणी करेंगे तो यह ठीक नहीं है, ये उचित भी नहीं है, ये राजनीति में उचित नहीं है। फिर हर आदमी के माँ बाप की तस्वीर खींची जाएगी, उनके माँ बाप क्या करते थे, कौन सी दलाली करते थे, किन किन लोगों की दलाली क्या करते थे, मुझे सबका मालूम है, मैं जानता हूँ किसके पिता किन किन चीजों की दलाली क्या करते थे। तो एक पढ़ी लिखी महिला के बारे में जिनको दिल्ली, जिनको मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ है, उनकी कामयाबी उनके कॉम्पिटेंस पर सवाल खड़े करने चाहिए, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उनके माँ बाप को घसीटा जा रहा, ये अक्षम है और ये दिल्ली की जनता को बर्दाश्त नहीं करती। व्यक्तिगत चीजों को नहीं घसीटा जा रहा है, उनकी आइडियोलॉजी को घसीटा जा रहा है, वो भी टेररिज्म से लिंक आइडियोलॉजी को घसीटा जा रहा है। दूसरी बात, उसी विचारधारा को उनकी बेटी भी आगे बढ़ाती रही है और कभी भी इसका उन्होंने प्रतिकार नहीं किया है, इसलिए सवाल उठता है। विनोद जी आम आदमी पार्टी बता रही है खड़ाऊ रखकर हम शासन चलाएंगे। देखिए आतिशी को मालूम है कि वो इस चुनाव तक मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इस चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, तो घोषित है, और अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो आतिशी को अपने कार्यकाल की अवधि मालूम है कि ये 5 महीने का उनका कार्यकाल है, नंबर 1। तो एक तो दबाव ये है, दूसरा दबाव ये है कि चाहे
वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हो या ना हो, लेकिन उनकी छवि यही रहेगी। वो जो भी फैसला लेंगी उस पर अरविंद केजरीवाल की छाप होगी ही होगी, और वो स्वाभाविक है, वो भी एक है। दूसरा, ये बात सही है कि उनके नेता है अरविंद केजरीवाल, और अगर वो अभी खुशी जाहिर करने लगे, पटाखे छोड़ने लगे, मिठाई बांटने लगे, तो खतरा बढ़ जाएगा चंपई सोरेन या जीतनराम मांझी बनने का। तो ऐसा कोई किसी तरह का संदेश या संकेत क्यों देंगी, और देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, गौरव भाटिया जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। गौरव जी, चित्रा जी, देखिए सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि माँ बाप पर टिप्पणी करी जा रही है, ये बिल्कुल गलत तर्क है, ये बहुत ही सतही तर्क है। बात करी जा रही है कि माँ बाप की विचारधारा क्या थी, और क्या कभी आतिशी मार्लेना ने कहा कि मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूं, जब उन्होंने संविधान की शपथ ली और वो आतंकी के साथ खड़ी रही, ये आज सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन आज बात करनी चाहिए आतिशी मार्लेना की, और वही सवाल मैं पूछता हूं। आपको मालूम है अरविंद केजरीवाल आज भी अभियुक्त है शराब घोटाले में। अरविंद केजरीवाल से चित्रा त्रिपाठी जैसे एक निर्भीक पत्रकार ने पूछा कि आपके विजय नायर से क्या रिश्ते हैं। आप याद करिए चित्रा जी, उन्होंने क्या उत्तर दिया, उन्होंने कहा विजय नायर रिपोर्टेड टू आतिशी मार्लेना डायरेक्टली, मतलब शराब घोटाले का एक अभियुक्त जिसने 100 करोड़ रुपया लिया साउथ की लॉबी से, वो आतिशी मार्लेना को रिपोर्ट कर रहा था, क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा। दूसरी बात, आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री जब बनेंगी तो जितने अफजल मामा जैसे आतंकी हैं उनको अपना रहनुमा मिल गया, क्योंकि उनको पता है कि इनकी सोच ऐसी है। इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है मैं आपको बताता हूं, एक्साइज डिपार्टमेंट इन्हीं के पास था, एक्साइज डिपार्टमेंट में हमने देखा घोटाला हुआ और आतिशी मार्लेना ने एक ठोस कदम नहीं उठाया कि जांच एजेंसी के साथ वो सहयोग करे। पावर का इनके पास मंत्रालय था, 2 बार टैरिफ राइज कर दिया, जो उसकी कीमत भी बढ़ा दी, जबकि जनता को कहा था बिजली मुफ्त करेंगे। पीडब्ल्यूडी में स्कैम हो गया, इनके अंडर में आता है डिपार्टमेंट, और फ्लडिंग दिल्ली में बाढ़ आ गई, यही निठल्ली निकम्मी मंत्री थी। और चौथा, 18 महीने शिक्षा मंत्री भी रही, कितने स्कूल बनाए हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो में तो कहा था। तो आपने डिबेट देख ही ली होगी, आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।